हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 3 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 9। द फर्स्ट थिंग इज थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये स्टार्ट करने के पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो विच इज द एक्सटीरियर एंगल हियर इन दिस फिगर। द एक्सटीरियर एंगल इज एंगल ए सी डी, और यू कैन ऑल्सो से एंगल डी सी ए। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। नाउ व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल? An angle which makes a linear pair of angle with any angle of a triangle is called exterior angle of the triangle. वो angle जो triangle की किसी भी angle से एक linear pair of angle बनाए तो उसको बोलते हैं exterior angle. तो angle ACD यहाँ पे exterior angle क्यों है? ये किसके साथ a pair of linear angle बना रही है? Linear pair of angle किसके साथ बना रही है? तो angle ACD linear pair of angle बना रही है angle ACB के साथ। एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी, दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो जो लीनियर पेयर बनाए किसी एंगल के साथ, ट्राइंगल की एंगल के साथ, तो वो होगी एक्सटीरियर एंगल। क्या हम यहाँ पे और एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर सकते हैं वर्टेक्स पॉइंट सी लेके? वर्टेक्स पॉइंट शुड बी सी। कैन वी ड्रॉ वन मोर एंगल? यस, वी कैन ड्रॉ वन मोर एंगल लाइक दिस। नाउ विच इज द एक्सटीरियर एंगल हियर? एंगल बी सी, suppose this is point E, so angle BCE is also an exterior angle at point C. तो in this way total कितनी exterior angles हो सकती है triangle को? Maximum number of, what is the maximum number of exterior angles? तो जैसे यहाँ पे हमने देखा, क्या angle DCE exterior angle, can we say that it is an exterior angle? क्या उसको बोल सकते exterior angle? तो angle DCE एंगल एसीबी के साथ में लीनियर पेयर नहीं बना रही, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर इट इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो जैसे एक वर्टेक्स पॉइंट पे दो एक्सटीरियर एंगल बनी, इन दिस वे द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल इज 6। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, दिस एंड दिस, दीज आर द 6 exterior angles a triangle can have. Now we will see theorem of remote interior angles of a triangle. Now theorem of remote interior angles of a triangle. What is the theorem? What is the statement? Measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles. Exterior angle ki measure उस ट्राइंगल में जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होती है। जैसे यहां पे एक्सटीरियर एंगल कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल इज एंगल पी आर एस। तो गिवन में लिखेंगे एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पूरा मैं थ्योरम आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब रिटर्न में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओरली एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्रूफ देखिए, ये गिवन है और हमें टू प्रूफ नहीं लिखा है, तो हमें पहले लिखना है टू प्रूफ। तो वी शुड राइट फर्स्ट गिवन के बाद में टू प्रूफ और बाद में आएगा प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमें प्रूव करना है कि एंगल पी आर एस इट्स मेजर इज इक्वल टू। नाउ थ्योरम क्या है फिर से समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल की मेजर किसके इक्वल होती है? जो उस ट्राइंगल की दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होती है, टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या ये इसकी रिमोट इंटीरियर एंगल है? रिमोट मतलब दूर वाली। तो ये इसकी रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं है, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एंगल छोड़ के बाकी के जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल पी एंड एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू इनके सम के इक्वल होगी एंगल पी आर एस, ये हमें प्रूव करना है। सपोज एंगल पी इज 50 डिग्री एंड एंगल क्यू इज 60 डिग्री, तो 50 प्लस 60 110, यही मेजर होगी एंगल पी आर एस की। तो ये हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। एंगल पी को थ्री लेटर्स में बोल सकते हैं एंगल क्यू पी आर, और एंगल क्यू को थ्री लेटर्स में बोलेंगे पी क्यू आर। तो हमें प्रूव करना है एंगल पी आर एस, मैं यहाँ पे सिंगल लेटर में लिख रहा हूं एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ तो सबसे पहले आपको मालूम है कि व्हाट इज द सम ऑफ, ये मैं मिटा देता हूं। तो
What is the sum of three angles of in sum of three angles in a triangle? एक किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, जैसे एंगल P है, एंगल Q है, R, R कौन सी, P, R, Q, इन तीनों का सम, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्रीज इन अ ट्राइंगल, ये आपको मालूम है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए एंगल P, देयरफॉर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइन आपको खुद समझनी है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है थ्योरम, मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एंगल P प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, मैं आर को सिंगल लेटर में क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आर एंगल ये भी है, एक्सटीरियर एंगल भी आर है, ये भी आर है, तो इसलिए उसको थ्री लेटर्स में लिखना जरूरी है। पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, दिस इज पॉइंट नंबर वन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वॉट इज द सम ऑफ एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, इनका सम कितना, पी आर क्यू प्लस पी आर एस, तो इनका सम होगा 180 डिग्री, अगेन इनका भी सम 180 होगा, क्यों, बिकॉज दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। दूसरी बात है, नाउ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, एंगल पी आर, एंगल पी आर एस इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री, रीजन इज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, दिस इज पॉइंट नंबर टू। अब इन तीनों एंगल्स का भी सम 180 है और इन एंगल्स का भी सम 180 है, तो दिस इक्वल्स टू दिस, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस, फ्रॉम वन इन टू लिखोगे, फ्रॉम वन इन टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू, इनका भी सम उतना ही है, सेम 180, इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, पी आर एस। अब दोनों साइड में एंगल पी आर क्यू इज कॉमन, सो वी कैन एलिमिनेट इट, उसको हम कट कर दिया, तो क्या बचा, देयरफॉर एंगल पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, और वी कैन से एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो यही तो हमें प्रूव करना था, दिस वी हैड टू प्रूव दैट एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो ये हो गया थ्योरम प्रूव की मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of remote interior angles of the triangle. Okay? अब इसमें और एक बात है, property of exterior angle. ये हुआ theorem of remote interior angles. इसको short में remote interior angle theorem ऐसे बोलते हैं. Remote interior angle theorem. दूसरी बात जो हमको समझनी है वो है property of exterior angle of a triangle. जो मैं आपको ये लिख के बताता हूँ. अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर ये समझ में आया तो ये तो आपको खुद ही समझ में आ ही गया होगा, आपको मालूम भी है, लेकिन फिर भी ये जब प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होती है तो इसलिए वो थ्योरम ना यूज करके हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या है इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे कि आपको मालूम है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये 50 है, ये 60 है, तो ये 110 होगी। इसका मतलब यही है कि अकेले में अगर देखें, एक एक से कंपेयर करें, सिंगल एंगल पी से या क्यू से, तो ये एंगल पी आर एस उससे बड़ी होगी, नेचुरल है ना कि इन दोनों का सम अगर ये है तो इसकी अकेले की मेजर इन दोनों के सिंगल सिंगल यानी अकेले अकेले में बड़ी होगी। तो यही प्रॉपर्टी है, इसको नाम दिया है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ईच रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर है, उसकी मेजर से बड़ी है, नेचुरल है, इजी है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल ए 70 डिग्री एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीडी। तो आप तो ओरली समझ गए होंगे कि एंगल एसीडी की मेजर, एंगल जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं ए और बी, ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो गए, 70 प्लस 40 110, यही मेजर है एंगल ए सी डी की। तो हम लिख के सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है कि एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए
प्लस एंगल बी. व्हाट इज द रीजन? यहां पे थ्योरम लिखना जरूरी है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है. देयरफॉर एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल ए इज 70 डिग्री एंड एंगल बी इज 40 डिग्री. एंगल बी इज 40 डिग्री. दिस इज गिवन कि एंगल ए 70, एंगल बी इज 40. देयरफॉर एंगल एसीडी इक्वल्स टू 110 एंड दिस इज द आंसर. यू कैन फिर से आप फिर से लिख सकते हो आंसर, एंगल एसीडी इक्वल्स टू 110 डिग्री. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है. व्हाट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन? सेकंड नंबर क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी 70 डिग्री एंगल क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर. अब आपको मालूम है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें दो एंगल्स गिवन है, एंगल पी 70 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री. और तीनों एंगल्स मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों का सम कितना होगा 180. तो इन दोनों का सम कितना है? तो 70 प्लस 65 इज 135. तो फिर थर्ड एंगल क्या होगी? थर्ड एंगल होगी, थर्ड एंगल मीन्स एंगल आर, एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 135 डिग्री. तो क्या डिफरेंस है इसका? इसका डिफरेंस है 45 डिग्री. तो दिस विल बी एंगल आर. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री. रिजल्ट लिखोगे सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री. फिर वैल्यूज पुट अप करके और एंगल आर को सिंगल आउट करके 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री, मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल? तो ये क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर टू के जैसा ही है. तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो सॉल्यूशन लिखते हैं कि द मेजर्स The measures of angles are x degree, comma x minus 20 degree and x minus 40 degree. अब हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. देयरफॉर इन तीनों एंगल्स का सम, देयरफॉर x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. विल ओपन द ब्रैकेट्स. तो x प्लस x माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे x, x और x, दीज आर लाइक टर्म्स. तो x प्लस x, कोएफिशिएंट सब में 1 है, तो 1x 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 इज 3x 3x. नाउ नेगेटिव 20 एंड नेगेटिव 40 साइंस आर सेम, सेम सेंस में होता है सम. तो सम होगा और साइन विल बी सेम, सेम माइनस साइन. 20 प्लस 40 इज 60 equals to 180 degree. Now we'll transport negative 60 on the right side, so it will be 3x equals to 180 degree. Or minus 60 hai to right side mein ho jayega plus 60 degree. Therefore 3x equals to, what is the sum? The sum is 240 degree. Therefore ab 3 ko transpose karna hai, 3 ko yahan se remove karna hai. तो यू कैन से कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करो या 3 को ट्रांसपोज करो राइट साइड में. तो फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन इट विल गो इन डिवीजन.
तो x इक्वल्स टू 240 अपॉन 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 गोज इनटू 24, 8 टाइम्स दिस इज 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 80 डिग्री हो गया, देयरफॉर x माइनस 20 इक्वल्स टू x माइनस 20 विल बी x की वैल्यू है 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड देयरफॉर x माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 40 डिग्री। फिर आप नीचे लिखोगे आंसर लिखोगे आप इधर मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री। तीनों का सम देख लो हो रहा है 180, 40 प्लस 60 100 प्लस 80 180, तो राइट आंसर है तीनों का सम 180 हो रहा है। देखोगे आप द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। एक ट्राइंगल में एक स्मॉलेस्ट एंगल है और एक जो एंगल है उसकी मेजर उस स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स डबल है। एंड द मेजर ऑफ अदर ट्राइंगल में तीन एंगल्स होती हैं, तो एक एंगल दूसरे एंगल की ट्वाइस है और जो तीसरी एंगल है अदर इज थ्राइस, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स, थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, जो दूसरी एंगल है वो स्मॉलेस्ट की ट्वाइस है और जो तीसरी एंगल वो स्मॉलेस्ट की थ्राइस है। तो इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज x डिग्री, स्मॉलेस्ट जो एंगल है उसकी मेजर x डिग्री, देयरफॉर द अदर टू एंगल्स आर अदर टू एंगल्स आर, तो एक स्मॉलेस्ट एंगल से ट्वाइस है और दूसरी स्मॉलेस्ट एंगल से थ्राइस है, तो इसका ट्वाइस कितना होगा, इसका ट्वाइस होगा 2x डिग्री, राइट 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स, एंड उसका थ्राइस कितना होगा, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स मतलब 3x डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन इज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इतना लिखा तो भी ठीक है या पूरा लिख सकते हो, ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एक्स यहां पे कोएफिशिएंट है 1, हियर द कोएफिशिएंट इज 2, हियर द कोएफिशिएंट इज 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इट इज 6x, 6x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 गोज इनटू 180 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 30 टाइम्स 30 डिग्री, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 2 इनटू 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री and therefore 3x equals to 3 into 30 equals to 90 degree। तो एक एंगल हो गई स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसकी मेजर 30 डिग्री, उससे जो ग्रेटर है उसकी मेजर है 60 डिग्री और सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री। तीनों का सम देखिए 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 90 180, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब लिखना है आपको कि द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।